मत मारो, अरे मोबाइल ले रखा है यार, भाई चुप रहो प्लीज, भगवान सर क्या फार्मूला तय हुआ है? ये तो आई कमाल देखा आपने सर, जाहिर सी बात है, तीन लोग कमेटी बनी है तो कोई उनकी ग्रीवेंसी होगी तो वो लोगों बता देंगे। सर कल मास्टर कल भवलाल शर्मा जी ने भी आपसे मुलाकात करी, उन्होंने भी कई मुद्दे रखे जैसे विकास के मुद्दों की उन्होंने बात करी, कई सारे मुद्दे, तो अब सारी चीजें अब सॉर्ट आउट हो गई। देखिए अब जो कल फैसले हुए हैं और उसके बाद में अब आगे की रणनीति बनेगी। सर एमएलए का ये कहना है कि जो पार्टी के साथ रहे क्या था वफादारी उनका अपराध था, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो तो वो एक इतिहास बन गया है, 100 से अधिक लोगों को इतने लंबे समय तक एक साथ रहना और एक आदमी टूट के नहीं गया, एक आदमी पूरा जोर लगा लिया बीजेपी के नेताओं ने, पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, आप कल्पना कीजिए उसके बारे में हमारे दिल में क्या स्थिति होगी आप जान सकते हो। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया और जब तक मैं रहूँगा जिंदा तब तक आपके अभिभावक के रूप में रहूँगा, ये मैंने उनको कहा है। और मेरा फर्ज बनता है कि एक आदमी लोभ लालच हॉस्टेडिंग क्या नहीं हो रहा था, डराने के धमकाने के काम हो रहे थे, एक आदमी छोड़ के नहीं जाए और इतने लंबे समय तक होटलों में रहना पड़े जिनको, उनको हम कैसे बोल सकते हैं? तो उनके लिए हमारे दिल में जो भाव है वो जानते हैं, मैं जानता हूँ। और उसी कारण से वो लोग उन विश्वास करके मेरे पर हाईकमांड पर उन्होंने रहना स्वीकार किया, उनको विश्वास हाईकमांड पे भी है मुझ पे भी है, उसको हम बनाए रखेंगे किसी कीमत पर, निश्चिंत रहो। और जो लोग आए हैं अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराज़गी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सर जिन जो आदमी सत्ता में होता है, असेंबली के अंदर भी सत्ता पक्ष जो होता है उसकी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है विपक्ष को साथ लेकर चलने की। उसी प्रकार से आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुझसे कोई अगर मेरी पार्टी के विधायक नाराज है तो जिम्मेवारी बड़ी मेरी होती है कि मैं कैसे उनको वापस संतुष्ट करूँ, उनका दिल जीतूँ, ये मेरी जिम्मेवारी है। वो मैं पहले निभाता आया हूँ जिंदगी भर, अभी निभाऊँगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये तो जो जो भागीदार थे कभी मिले तो आप उनसे बात कीजिए। आप मानते निकम्मे हैं आज भी, वो आपने कहा था निकम्मा है, आपने शब्द इस्तेमाल किया था, तो वापस आएंगे तो काम कैसे करेंगे साथ में? और इसके अलावा बीजेपी को जो मुंह की खानी पड़ी है मेरे ख्याल से देश के अंदर राजस्थान की जनता ने एकजुटता दिखाई, प्रदेशवासियों ने, ये असली जीत प्रदेशवासियों की है। मैंने जो पत्र लिखा था मीडिया ने उसको ढंग से जगह नहीं दी है और भास्कर ने जो मेरी फ़ोटो दी है ऐतिहासिक फ़ोटो है वो, कि मैं बहुत भावुक हो गया हूँ और पता नहीं क्या क्या उसे लिखा है, तो ये मीडिया का एक करेक्टर भी सामने आता है। इतना मैंने प्यार से पत्र लिखा, 200 विधायकों को लिखा और मैंने क्या कहा उसमें, अपनी आत्मा से, अपने परिवार से, अपने मतदाताओं से पूछो फिर फैसला करो। और उसके बाद में भी मीडिया ने उस पत्र को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, नंबर एक। नंबर दो, इनकी जो धज्जा उड़ी है इन बीजेपी नेताओं की कि कहाँ तो वो 3-3 प्लेन हायर किए गए एयरक्राफ्ट को भेजने के लिए गुजरात में, एक प्लेन जा पाया इनका। दूसरा, आज उनको बाड़ेबंदी करनी थी, बुला लिया गया सबको, अचानक मीटिंग कैंसिल कर दी गई। तो आप सोच सकते हो कि इनकी जो स्थिति बनी है और जो हमारे साथियों ने इनकी दुर्गति करी है, ये भी याद रखेंगे कि
कि किस रूप में ये षड्यंत्र करते हैं तो षड्यंत्र कामयाब नहीं होने वाले हैं। और राजस्थान की जनता ने दिखा दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है, हमारे विधायकों ने दिखा दिया है कि बीजेपी का जो अहम है, घमंड है, अहंकार है, देश के अंदर हर राज्य के अंदर कांग्रेस जनों के अंदर उत्साह का संचार हुआ है और सब मिलकर के इनका मुकाबला कर सकते हैं। डेमोक्रेसी को बचाने का संकट सबसे बड़ा है, उसमें भागीदार बन सकते हैं। और हम सबका कर्तव्य, आप लोगों का भी है, हर प्रदेशवासी का, हर देशवासी का है, अभी संकट डेमोक्रेसी को बचाने का है। सर तो क्या कह सकते हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग, आप देख लो जयपुर में क्या क्या हो रहा है, चुन चुन करके और बेशर्मी से कांग्रेस वाले जब राज करते थे हर चीज देखते थे, जनता क्या सोचेगी, जनता क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये हमारी भावना होती थी, उसके अकॉर्डिंग टू फैसले होते थे, मुख्यमंत्री की स्थिति पे, रेल मंत्री की स्थिति पे, लॉ मिनिस्टर की स्थिति पे। अब इतनी बेशर्म सरकार आई है, लोग क्या कहेंगे चिंता ही नहीं है। जब आप धर्म के नाम पे राजनीति करोगे तो फिर ये जो आपकी भावना है कि परवाह मतलब लोग क्या कहेंगे, धर्म के नाम के डिवाइड करो, चुनाव जीत क्या हो। 31% पे आए पहले, अब आए 39% पे आए, बाकी लोग रहते नहीं कि देश के अंदर 70% लोग क्या सोचते हैं। तो ये भूलना नहीं चाहिए सरकार को, जिस प्रकार का माहौल बनाया गया वो सब आपके सामने, कहानी आपके सामने। सर आपके विधायक राजी है इस फार्मूले से, उनसे बातचीत हो गई पहले या अब होगी? आज बातचीत होती रहती है, राजनीति में आप जानते हैं कि समय समय पर हम लोग बात करते हैं, आपस में मेल मिलाप होता है, उसी चिंता नहीं करें। पार्टी एकजुट रहेगी, पार्टी 5 साल तक शासन करेगी, अगला चुनाव जीत के आएंगे हम लोग, पब्लिक ने तय कर लिया है। ये जो बीजेपी ने षड्यंत्र किया है इसका सबक सिखाने का मौका अब आम जनता के सामने आएगा, अगला चुनाव 2023 का चुनाव आएगा और 5 साल तक सरकार चलेगी, सरकार बहुमत में पहले थी, आज भी है, कल भी रहेगी, इनके मंसूबे में पानी फिर गया। सियासी अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।